हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 8 का नया चैप्टर जिसका नाम है मेंसुरेशन। इस चैप्टर को करने से पहले आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूलेस की जानकारी होनी चाहिए। फॉर्मूलेस के लिए मैंने पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूँ शॉर्टकट ट्रिक्स में, उनका आई बटन में ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा। बट इस बार मैं वापस से एक और बार आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि कैसे उन फॉर्मूलोज को ड्राइव करते हैं, कैसे उनको लर्न करते हैं। तो सबसे पहले आप इन फॉर्मूलोज को अच्छे से लर्न कीजिएगा और 4 एक्सरसाइज आपके स्मूथली कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू लर्न द फॉर्मूलाज या हाउ टू डिराइव द फॉर्मूलाज, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेंसुरेशन के लिए हमको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। थोड़ा सा पास चलेंगे जो फॉर्मूले हमको लोअर क्लासेस में हमने पढ़े होंगे। एरिया, यस, लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ। पैरामीटर, पैरामीटर का फॉर्मूला बताइए, 2l + b। सिमिलरली दिस इज स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेट इट से बी a मान लेते हैं साइड्स को। इसका एरिया, यस, साइड स्क्वायर, जिसको हम ए स्क्वायर भी कह सकते हैं और ए स्क्वायर भी बोल सकते हो आप। पैरामीटर, पैरामीटर है 4 × साइड, 4 × a। नेक्स्ट आता है सर्कल, लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस एंड रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, पूरा लिख देता हूँ, डायमीटर अपॉन 2। सो दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर डायमीटर। So what is the area? Area is equal to pi r square. Pi की वैल्यू आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी 22/7 और 3.14 जो भी आपको दी हो। और पैरामीटर की जगह यहाँ पे क्या आता है, राउंड आउटर बाउंड्री को, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। ये फॉर्मूला है 2πr, आउटर बाउंड्री का फॉर्मूला ये है। अब एक और जरूरत पड़ेगी आपको, सर्कल को अगर आधे पार्ट में डिवाइड कर दो तो क्या है, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। क्या ये सेमी सर्कल, तो कुछ नहीं करना है सेमी सर्कल के लिए। एरिया जो है सर्कल का हाफ कर दो, हाफ पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस इसका भी हाफ कर दो, हाफ से 2 से 2 कैंसिल, पाई आर, ये सॉरी पाई आर अपॉन 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल। तो इतने फॉर्मूले से आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आगे नेक्स्ट फॉर्मूला और कुछ, ये पहले एक्सरसाइज आपकी इससे कंप्लीट हो जाएगी। अब याद कीजिए, बहुत सारे जब रेक्टेंगल्स को आप क्या करते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे तो क्या बनेगा, यस, इट इज कॉल्ड क्यूबॉइड, जिसकी एक और डायमेंशन आ जाती है जिसको बोलते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये रहा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जब बहुत सारे रेक्टेंगल्स को आप एक के ऊपर एक ऐड करते जाएंगे सेम लेंथ सेम ब्रेथ के, तब क्या बनेगा, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। एनी बॉक्स, कोई बॉक्स ले लीजिए आपका, कोई भी अपना रूम, जिस रूम में आप है, रेक्टेंगल नीचे 6 faces रेक्टेंगल से बना हुआ, तो क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। आइए इसका मैं और डिस्क्रिप्शन वीडियो मैंने आपको ऊपर लिंक पे दे रखा हूं, वहां पे आप और अच्छे से देख सकते हैं। इसका सबसे पहले बोलते हैं 4 walls, एरिया ऑफ 4 wall होता है, एरिया ऑफ 4 walls, या उसको कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है 2l + b, देखिए 2l + b इंटू एच, एच कर लीजिए मल्टीप्लाई, उसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जिसको हम PSA भी कहते हैं। टोटल में 4 walls में तो 4 दीवारें आती है, टोटल में रूफ एंड बॉटम भी आ जाता है, फ्लोर भी आ जाता है। तो फॉर्मूला 2lb + bh + hf। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे कि कितना इसके अंदर हवा है, V is equal to, कुछ नहीं करते एरिया को, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके साथ हाइट भी मल्टीप्लाई करते हैं, l × b × h। ये रेस्टूडेंट सारे फॉर्मूले। उसके बाद जब बहुत सारे स्क्वायर मिलते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है क्यूब। जब बहुत सारे स्क्वायर्स को सेम साइड के जब आप एक के ऊपर एक पाइल अप करते जाते हैं तब आपको क्या बनता है, तब आपका बनता है क्यूब। आइस क्यूब्स आपने सुना होगा,
सारी साइड्स ए ए ए, इसमें भी कुछ नहीं। सबसे पहले लैटरल सरफेस है जिसको हम एलएससी कहते हैं, कितने साइड्स, फोर। चारों साइड्स क्या होंगे, स्क्वायर शेप के होंगे, तो फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो टोटल फोर ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया सिक्स ए स्क्वायर, क्योंकि सिक्स साइड्स है और सबके सबके स्क्वायर है। वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा आपका ये रहा, जो एरिया था उसमें एक और मल्टीप्लाई करेंगे साइड को, तो कितना ए क्यूब। नेक्स्ट आपका आता है सर्कल, जब बहुत सारे सर्कल्स को हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, सिलेंडर। तो ये रहा सिलेंडर, इसके फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी इस साल। ये रहा स्टूडेंट सिलेंडर, दिस इज कॉल्ड हाइट एंड दिस इज रेडियस। ये रहा आपका रेडियस, तो सबसे पहले इसका। अब इस बार लैटरल सरफेस में होते हुए कर्व सरफेस हो जाता है। कर्व मतलब, एक मिनट आपको समझाता हूँ, कर्व सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं सीएसए, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, देखो 2 पाई आर इंटू एच। अब कर्व क्या मतलब, ये देखिए स्टूडेंट, ये क्या आपका सिलेंडर है, ये इस एरिया को कहेंगे कर्व, ये राउंड वन। कर्व मतलब घूम गया है, इस एरिया को कहेंगे कर्व। टोटल का मतलब ऊपर सर्कल और नीचे सर्कल को भी ऐड कर दो, उसको कहेंगे टोटल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या ऐड होगा, कर्व तो हो गए होगा, उसके साथ में क्या होगा, दो सर्कल्स और ऐड हो जाएगी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 पाई आर एच प्लस आर। फॉर्मूला निकाल दिया हमने 2 पाई आर एच प्लस। लास्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा ये रहा, एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपने स्टूडेंट बहुत शॉर्टकट तरीके से आपने देखे कि कैसे ये फॉर्मूले बन रहे। इसका और डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको वीडियो के ऊपर लिंक में दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, उसको भी देख। ये तो फर्स्ट फॉर्मूले, इसको नोट डाउन कीजिए। अब स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट सेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज की ओर को। अब कुछ और फॉर्मूलेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये है ट्राइंगल, स्टूडेंट इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये इसकी क्या होती है, ट्राइंगल, ट्राइंगल में दिस इज, जहां पे 90 गिरता है उसको आपको हाइट कहते हैं, ए बी सी, दिस इज योर हाइट, और जहां पे हाइट गिरती है उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये रहा, और शॉर्ट में लिखते हैं हाफ इनटू बी इनटू एच। तब स्टूडेंट बट ध्यान में रखिएगा, अगर ये 90 यहां से गिर रहा है तो इस बार बी ई हो जाएगा आपका हाइट और ये वाली साइड हो जाएगी आपकी बेस। तो बेस और हाइट क्या होता है, जहां पे हाइट गिरती है उस साइड को बेस कहते हैं, अंडरस्टूड, ये वाला ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो, फॉर एग्जांपल ये 90 है, पी क्यू आर, अब कौन सा बेस, आप किसी को भी बेस ले सकते, अगर ये बेस तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, अगर ये बेस तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री ये रहा। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला आता है, अगला आता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जिसके बारे में हम पहले ही अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर के अंदर पढ़ चुके हैं। क्या होता है पैरेललोग्राम, ये देखिए अपोजिट साइड जिसकी क्या होती है, इक्वल होती है पी क्यू आर एस, इसका एरिया कैसा निकलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ, हाफ में आता है, इस बार क्या होता है देखिए, दिस इज हाइट एस एफ, तो हाइट क्या बोलेंगे हम, हमने बोला हाइट है एस एफ, तो बेस बताइए, बेस क्या होगा, जहां पे मैंने बोला हाइट दे रही है तो पी क्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट स्टूडेंट, सिंपल बेस इंटू हाइट, ये रहा, मतलब दो ट्राइंगल का सब, ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल, इसे हाफ कैंसिल हो गया, सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास बना बेस इंटू हाइट। अजय थर्ड, थर्ड फॉर्मूला देखिए, थर्ड फॉर्मूला है आपके पास रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यस जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, उसको रोम्बस कहते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया साइड से नहीं आता, डायगोनल से आता है, दिस डायगोनल इज डी वन एंड दिस डायगोनल इज कॉल्ड डी टू, सो व्हाट इज द एरिया, एरिया
फॉर्मूला है आपका हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगनल्स, दोनों डायगनल्स का प्रोडक्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं, या और फॉर्म में हाफ इनटू डी वन इनटू डी टू, ये शॉर्ट है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू डी वन इनटू डी टू, डी वन डी टू क्या है आपके डायगनल्स है, ये रहा एक फर्स्ट डायगनल और उसकी लेंथ, डी वन एंड डी टू आर लेंथ ऑफ डायगनल, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये क्या है लेंथ ऑफ डायगनल्स, ये हो गए तीन फॉर्मूले स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फोर। अब आएगा ट्रेपीजियम, याद कीजिए ट्रेपीजियम में पढ़ा चुका हूं पहले आपको, यस ट्रेपीजियम क्या होता है जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है पैरेलल होती है, दिस इज पैरेलल ए बी सी डी, सो ये जो पैरेलल साइड्स है पैरेलल साइड्स को आप कुछ मान लीजिए, इसकी लेंथ हमने बोला दिस इज ए एंड दिस लेंथ इज बी, और ये जो है यहां पर गिर रही है इसकी हाइट एच, कहीं से भी हो सकती है, यहां से भी फॉलो कर सकती है, यहां से भी फॉलो, तो इसका एरिया कैसा होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पूरा लिख रहा हूं आपके लिए, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, अब डिस्टेंस कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए प्लस बी दोनों का प्लस इनटू हाइट को एच, आप ये वाला शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, पूरा लिखना पूरा लिखिएगा, ये तो हाफ ए प्लस बी इनटू एच, ये हो गया स्टूडेंट फोर फॉर्मूले। फिफ्थ में आते हैं एक और फॉर्मूला कोऑर्डिनेटर, मतलब आपको इन सब में से कुछ ना दिया हो ट्रेपीजियम पैलोग्राम रोमबस या पैलोग्राम रोमबस ट्रेपीजियम, इनमें से अगर कुछ भी ना हो तो आप क्वाड्रिलेटर का, पर उसके लिए क्या गिवन होना चाहिए क्वाड्रिलेटर के, देखिए कुछ भी होगा ये कैसा भी हो सकता है ऐसा, हमको एक तो डायगनल दी होगी इसको मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट डी, और जो अपोजिट वर्टेक्स जो बच गए वर्टेक्स वहां से परपेंडिकुलर गिरा हो 90 डिग्री, ये है एच वन और ये है एच टू, पी यू आर एस, वापिस से ध्यान से देखें क्या होगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा हाफ इनटू लेंथ ऑफ वन डायगनल, एक डायगनल की तो लेंथ आपको दी होगी, इनटू सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू अपोजिट वर्टाइसेस, और जो दो वर्टाइसेस बच गए वहां से आपको क्या दी होगी सम, उनका परपेंडिकुलर का सम दिया होगा कहां पे ऑन द डायगनल जो डायगनल पे गिर रहे, सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट टू वर्टाइसेस ऑन द डायगनल, अब इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू डी इनटू एच वन प्लस एच टू, ये रहा आपका फॉर्मूला इन सब के फॉर्मूले को डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, और एक एक क्वेश्चन जब हम करते जाएंगे तो आपको और इजी समझ में आएगा कि ये फॉर्मूले का यूज हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो इन सारे फॉर्मूलों को आप अच्छे से लर्न कीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज हम लोग अगला एक्सरसाइज लेके आएंगे एक्सरसाइज 11.1 सबसे पहले, तब तक आप इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए।